आदमी पार्टी के विधायक के पिता ने जहर निकलिया है लाभ सिंह उगो के जिहड़े भदौड़ तो विधायक ने उन्होंने पिता वालों सल्फास निकली गई है और उन्होंने डीएमसी ले जाया गया है। लुधियाना डीएमसी के विच दाखिल कराया गया है। भदौड़ तो विधायक ने लाभ सिंह उगो के तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जिस वेले ये घटना वापरी एक गरीब परिवार नाल संबंध रखते ने एमएलए लाभ सिंह उगो के दर्शन सिंह उन्होंने पिता का नाम है जो ड्राइवर का काम करते हैं। ड्राइवर ने दर्शन सिंह जेडे लाभ सिंह गोके दे पिता ने और अज उन्होंने किसी कारण सल्फास निकली है ये खबर आ रही ने और उस तो बाद उन्होंने डीएमसी लुधियाना लेके जाया गया है इलाज के लिए दयानंद मैडिकल कॉलेज लुधियाना का जिथे उन्होंने इलाज के लिए लेके जाया गया है उन्होंने इलाज चल रहा है और लाभ सिंह उगो के भी लुधियाना रवाना होए ने क्योंकि अब चंडीगढ़ के प्रोटेस्ट से आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों का। सो लाभ सिंह उगो के खुद अब चंडीगढ़ से उस दौरान उन्होंने पता चलिया उन्होंने घर एक घटना वापरी और उस तो बाद रवाना होए ने डीएमसी लुधियाना दे जिथे ले जाया गया है उन्होंने पिता दर्शन सिंह ड्राइवर का काम करते हैं। जिस वेले लाभ सिंह उगो के जित के आए सी जदों चरणजीत चन्नी उन्होंने हराया सी साबका सीएम उस वेले उन्होंने परिवार बारे काफ़ी जानकारी निकल के सामने आई सी। उन्होंने माता एक स्कूल दे विच सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं ये उस वेले पता चलिया सी। एक बेहद गरीब परिवार नाल संबंध रखते हैं लाभ सिंह उगो के आम आदमी पार्टी के नाल लंबे समय तो जुड़े हुए सी सीएम भगवंत मान के काफ़ी नज़दीकी सी जिस करके उन्होंने आम आदमी पार्टी की टिकट मिली और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी हराया। सो उस तो बाद सुर्खियों के आए अमन भारद्वाज साढ़े सहयोगी जुड़े ने होर गलबात लई। अमन कुछ होर पता चल पाया कुछ अपडेट क्यों ये सारा घटनाक्रम वापरिया कोई वजह कोई कारण विजय जानकारी जुटाण की कोशिश जरूर असं कर रहे हैं। दोबारा फिर उगो के जोड़े साथी ने नाल अस्पताल मौजूद ने जा रहे ने उन्होंने गलबात करने की कोशिश की पर उन्होंने वालों जाहिर है कि प्रायोरिटी जी है वो उन्होंने पिता वाल हैगी है और गलबात हले नहीं की जा रही पर जिनी गल हुई सी सब तो पहला जो उगो के नाल गलबात की तो भुग्गा मार के रो रहे थे और उन्होंने सीधा कहना यह कि खादी है क्यों खादी है कारण मैनू नहीं पता मैं अस्पताल आए हैं पर मैं बाद विच गल कर सकता हले मैं कोई गल इस बाबत नहीं कर सकता उन्होंने यह कहना सीगा और ये भी अस्पताल वो जरूर देख रहे ने एग्जामिन कर रहे ने उन्हां वल्लों जिहड़े की एग्जामिन किया जा रहा है कि कारण की ने बॉडी दे अंदर की होया है खास करके कि क्योंकि हार्ट का दसा जा रहा है फिर कि हार्ट से उसका इफेक्ट शायद पिया है और हार्ट अटैक वर्गे सिमटम भी बाद विच देखे गए ने पर इन्नी जानकारी हले तक विजय मिल पाई है और की कारण की है क्योंकि मुख तौर पर अजिहा जो कोई स्टैप होंदा है तो कई तरीके के कारण होंगे और मानसिक तौर पर कई कई किस्म के जोड़ा स्ट्रैस होंदा है वो होंदा है लेकिन इसकी इस बाबत हाले खुल के उगो के या उगो के परिवार चो किसी ने नहीं दस्या है ये जेड़े नाल दे करीबी ने या उत्थे दे लोग ने और खास करके उन्होंने जरूर गलबात की है सिर्फ तो सिर्फ इन्नी पुष्टि उगो के वालों की गई है कि सल्फास कदा है डीएमसी अस्पताल उन्होंने हालत किवें अमन हालत बारे कुछ अपडेट मिल पाई है विजय जो गलबात उन्होंने करीबियों नाल हुई है उन्होंने कहना है कि हालत गंभीर है और यही कारण है कि भुब्बा मार के जेकर क्योंकि मेरी खुद गलबात हुई लाभ सिंह उगो के नाल तो उन्होंने रोना बंद नहीं हो रहा और यही कारण है कि हालत गंभीर है ता ही इस सिचुएशन च ने क्योंकि वह भी इतने जिस सिचुएशन च सी सवेरे शांति मार्च कर रहे थे उस तो बाद जो अचानक उन्होंने पता लग गया तो नठ भज जाके जिमें अस्पताल पहुंचे ने तो उन्होंने भी रोना बंद नहीं हो रहा पहुंचते ही रो रहे थे पर यही कारण है कि उन्होंने ज्यादा गलबात नहीं की और हालत गंभीर है नहीं तो उन्होंने साफ तौर पर कह देना कि रूटीन चेकअप है या रूटीन उन्होंने पहला तो दिक्कत है जिमें मूसे वाले के पिता ने उन्होंने पहला तो पता कि उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम है स्टंट पैना उन्होंने स्केड्यूल है ना तो यही कारण नहीं पर उन्होंने अचानक पता लगना और सल्फास
ਹਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਚੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਹਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਫਾਸ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਲਫਾਸ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਵਰਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੋ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹ ਟਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਔਰ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਗੁਰਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀ